एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं मोराबादी मैदान में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज किसान अधिकार दिवस के दिवस मनाया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और दिल्ली से जो है आरपीएन सिंह जो जी आए हुए हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, और यहाँ पे जो है एक बड़ी तादाद में जो है राजभवन का घेराव होने वाला है। आइए मैं आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके कहा है देख रहे हैं कि कोई लोग ये षड्यंत्र कर रहे थे कि महज दो तीन राज्यों में ये आंदोलन सिमट के रह गया था। ऐसी बात हर राज्य में आग लगी हुई है और लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना दी है, आप चीज़ों को पैकअप कीजिए, शांति से रहने दीजिए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं और यही संदेश देने के लिए आज यहाँ किसान भाइयों के समक्ष। अच्छा एक अलग सवाल था, जो बर्ड फ्लू वाला क्या आपको लग रहा है कि कुछ आपको लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं? जिला स्तर पर मॉनिटरिंग जारी है, अभी तक भी ऐसी खबर आई नहीं है। चीजें कंट्रोल में है, उपायुक्त को हमारे डायरेक्टर एम एल हसन साय जी ने सबके संपर्क करके रखा है, हम चेक करा रहे हैं, अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आया नहीं है। कितनी सैंपल कहाँ भेजा है हमने? भोपाल भेजा है, एल आर एस एस लाया है और चीज़ों को हम जांच करवा रहे हैं। विधायकगण और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और गांव गांव से आए जो भाग छोटा भाई कोरोना को गुजर गया है, निरंतर तरीके से लाई है ये कृषि कानून। सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है बल्कि इस देश में रह रहे आम जनता का, हमारे छोटे मजदूर करते हैं उनके भी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। चूंकि जो व्यवस्था भाजपा कर रही है के हाथ में सरकार का सारा कैसे और फिर से कैसे हमने जो कसूला बनाने की दिशा में आज की बौछार में ठंड में बैठे हुए हैं, 60 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है। हम क्या चाहते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री? हम लोग ये मनमानी और तानाशाही उनकी नहीं चलने देंगे। या तो ये तीनों काला कानून वापस ले या फिर गद्दी छोड़े। ये जो आंदोलन जो है ये लगातार जारी रहेगा, अगर तीनों काला कानून दोनों टाइगर है।
नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और मैं अभी मौजूद हूं राजभवन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पूरा जो है घेर लिया गया है आपका राजभवन को, और यहां पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है काला कानून वापस लेने के लिए। जो आपका काला कानून को जो बिल सरकार जो ला रही है उसी को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस के द्वारा, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं कुछ कार्यकर्ता हैं कि ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, ये जो प्रदर्शन है कब तक जारी, किसानों को हक नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये जो मोदी सरकार है गुंगी बहरे की सरकार है, ये कुंभकर्ण से भी ज़्यादा सोई हुई सरकार है, ये अभी तक सो रही है। और किसान हमारे 2 महीने से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डर पे, वो लोग अपना 60 से ज़्यादा हमारे किसान की जान चले गए, लेकिन ये मोदी सरकार अभी भी होश में नहीं आई है। जब तक काला कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा इसका विरोध जारी रहेगा। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एनएसयूआई जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो प्रदर्शन यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं, अगर जब तक ये बिल वापस नहीं होता है ये लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं अबूजर गफ्फारी, कैमरामैन कमरान के साथ, एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।